हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12 यानी पद्माकर, ये भी एक कविता है। इस कविता में कवि ने दो चीज़ों की वर्णन किया है, एक फाग और एक बसंत ऋतु। देखिए दोस्तों, कहते हैं फाग जो है फागुन के महीने में जो होली खेलते हैं उनके दृश्य का कवि ने यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश किया है। साथ में उन्होंने जो है बसंत ऋतु में, आपको पता ही होगा कि बसंत ऋतु जो है सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है और इसे ऋतुराज भी कहते हैं। इन ऋतुराज में है जो बहुत सी जो है इंसानों के मन में और जीवन जो जीव हमारे धरती पर निवास कर रही है उसमें हर तरह की खुशियाँ और रंग बिरंगे फूल पुष्प उत्पन्न होने लगते हैं और इंसान के मन भी उसी चंचलता में खो जाता है। कवि ने बहुत सी बातों को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया है और अपने मन की बातों को भी उन्होंने साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है। पद्माकर जी जो थे बहुत ही, कहते हैं, रीतिकाल कवि थे और उन्होंने बहुत से कविताओं को अपने रूप जो है अपनी विचारधाराओं में सम्मिलित करके उन्होंने जो है कविता का रूप दिया है। लेकिन इस कविता में क्या और कुछ है और इसमें उन्होंने क्या और बातें कहने की कोशिश की है, जब हम कविता पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। लेकिन कविता करने से पहले एक बात जो कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूँ। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है, तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए, जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। पद्माकर द्वारा चरित्र बसंत, पहला पोएम में कवि ने भाव प्रकट किया है। औरो भांति कुजन में गुजरत भौर भीर, औरो डोरो डोरेन पे वेरन के हैवे गए, कहे पद्माकर सु औरो भांति गलियान, छलिया छवीले छोलो छो औरो छविये छलो गए, औरो भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतु राज के न आज दिन दे गए, औरो रस औरो रीति औरो राग औरो रंग, औरो तन औरो मन औरो वन हवे गए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि ऋतुराज वसंत का आगमन प्राकृतिक और मानव समाज में बाहर भीतर अत्यधिक जो है मदकता भर देता है। इस कविता में कवि ने शब्द ध्वनि को माध्यम से बसंत का जो है मनमोहक वर्णन किया है। कवि कहता है कि बसंत को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं कि कुंजों में भैरों की भीड़ कुछ और ही तरह के
गुजरने लगी है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि भौरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो बसंत का उत्सव मनाने के लिए एकत्र होकर समवेत स्वर में एक साथ गुजार कर रहा हो, अर्थात पुष्प समूह में भौरों में एक अलग ही तरह की प्रसन्नता और उत्साह भर दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवि ने साफ शब्दों में ये बात कहा है। आप जानते ही होंगे कि बसंत ऋतु को जो कहा जाता है ऋतुराज कहा जाता है। बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ जो होता है, हर पेड़ पौधे जो धरती के अंदर दबे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उनमें अंकुरण फूट जाती है। कभी कहना चाहते हैं कि जैसे बसंत ऋतु आता है, चारों तरफ जो होते हैं मधुमक्खी भौरे जो होते हैं फूल के जो है पराग चूसने के लिए तैयार हो जाती हैं। कहते हैं चारों तरफ जो है होता है खुशबू आने लग जाती है, वातावरण प्राकृतिक जो होती है खुशहाल हो जाती है, चारों तरफ आपको पेड़ पौधे ही दिखने लग जाते हैं। बसंत ऋतु में जो होता है इंसानों के मन पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, साथ में जीव जंतु को भी काफ़ी हर्ष उल्लास मनाने लग जाते हैं। कहते हैं इसमें जो भौरे होते हैं वो काफ़ी प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो बसंत के उत्सव मना रहे हों, चारों तरफ जो होते हैं भौरे भिनभिनाने लग जाते हैं और अपनी खुशियों का जो इजहार इस तरह से करते हैं मानो इनके लिए ही बसंत ऋतु बनाई गई हो, क्योंकि चारों तरफ फूल जब खिलती है तो इनका जो हर्ष उल्लास का कोई ठिकाना तक नहीं रहता है। कहते हैं इस ऋतु को जो है बहुत ही अच्छा ऋतु माना जाता है और इस ऋतु में जो है तरह तरह के जो है चीज़ें देखने को मिलता है। कहते हैं डाल डाल पर भौरे के जो गुच्छे दिखाई देने लग जाते हैं, उनका रूप स्वरूप ऐसा हो गया है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कहते गली गलियारों में बने ठहने युवक युवतियां भी बसंत के सौंदर्य से उत्पन्न काम भाव से पीड़ित परंतु हर्षित दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवि ने एक इशारा करने की कोशिश की है कि वैलेंटाइन डे भी बसंत ऋतु के आसपास ही मनाई जाती है। तो कहते हैं जो नव युवा युवतियाँ होती है वो कहते हैं कभी इसमें काम भाव से पीड़ित यानी उनके अंदर प्रेम की जो उमार है वो भर जाती है। युवत युवतियाँ जो होती है अपने आप को एकांत करने की कोशिश करती है और प्रेम लीलाओं में खो जाना पसंद करती है, क्योंकि चारों तरफ जो होता है बसंत हर्षोल्लास मना रहा होता है। कहते हैं युवक युवतियाँ भी अब जो है जैसे प्राकृतिक ने वन ठन लिया है, उसी तरह से युवत युवतियाँ भी अपने सौंदर्य को दिखा रही है। कहते हैं सज धज के अपने प्रियतम से मिलने के लिए सदैव तरपते रहती है और अपने काम भावना भावुक सो पीड़ित उल्लास मनाती है। इस तरह कवि ने जो है प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। साथ में उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि बसंत ऋतु आती है तो उसका प्रभाव जो है मानव तक किस प्रकार पड़ता है, और मानव ही नहीं इसके जो है अछूता पेड़ पौधे जीव जंतु भी नहीं रहते हैं, वो भी जो है इस प्राकृतिक को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु होती भी ऐसी ऋतु है, तो इसीलिए इसको जो है ऋतुराज के नाम दिया गया है। ऐसे मोहक ऋतुराज बसंत को आए अभी कुछ ही समय ही बीता है, पक्षी भी जो है सामूहिक रूप से प्रसन्नतापूर्वक चहकने लगे हैं। कवि कहता है कि यह परिवर्तन सब और दिखाई दे रहा है, सारा वातावरण रस से रंग से रीति से गीत और प्रेम से बदल गया है, तन मन और वन उपवन सभी में जो है बदलाव आ गया है, इस बदलाव को अनुभव ही किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, कहते हैं बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, बट अपने शब्दों में व्यक्त करना शायद संभव नहीं होता है। कवि ने भी इसी बात को यहाँ पर दोहराने की कोशिश किया है। कवि कहता है साफ शब्दों में कि चारों तरफ जो है वातावरण जो है रस से भर गए हैं, रंग से भर गए हैं, रीति से भर गए हैं, गीत से भर गए हैं और प्रेम के बादल भी भर गए हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि तन मन और वन उपवन सभी में बदलाव आ गए हैं। कहते हैं हर क्षेत्र में जो है बदलाव आ जाता है, जैसे क्योंकि बसंत ऋतु ऐसा ऋतु होता है जहाँ पर ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है, तो इसमें जो है काफ़ी जो है वातावरण अनुकूल बन जाता है जीव जंतु के लिए, इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तो ये ऋतु सबसे अच्छे ऋतु माना जाता है। कहते हैं कि ऐसी बातों को समझाना और इस ऋतु के अनंत को समझाना शायद सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कुछ बातें जो होती है शब्दों में व्यक्त होना संभव नहीं होती है, उसको सिर्फ समझा जाता है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, उसको सिर्फ अनुभव किया जाता है। अगला पोएम जो दोस्तों है वो है फाग, क्योंकि दूसरा एक पोएम बसंत ही, दूसरा पोएम इनका जो है एनआईएस बोर्ड के लिए फाग। फाग आखिर क्या है? कहते हैं एक को संधाए नंदलाल गुलाल देऊ दुगानी गए जू भरी आनंद माढ़ो नहीं,
धोए धोए हरी पद्माकर तिहारी सोहो अब तो उपाय एक चित्त में चढ़ो नहीं। कैसी करो कह जाऊँ कसो कहूँ कौन सुनो करूँ कहूँ तो निकासो जौसो दृढ़ बदो नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियन तो कड़ीगो अबीर पे अहिर ते कढ़ो नहीं। इस कविता फाग में कवि साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं प्रसंग के रूप में कि प्रस्तुत कविता में पद्माकर ने फाग होली का बड़ा ही हृदय स्पष्ट चित्र अंकित किया है। एक गोपी कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का बड़ा सजीव वर्णन जो है प्रिय सखी से करती है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है कृष्ण जो गोपियों के साथ गुलाल के साथ जो होली खेल रहे हैं इसके बारे में जो है कवि ने एक सखी के रूप लेके इसका वर्णन करने की जो है चेष्टा किया है। इनकी वर्णन से जो है काफ़ी कुछ सामने उजागर होती है। अब इसमें कवि ने साफ शब्दों में आगे कहा है कि अपने पसंद का जितना पढ़ा ही है जाना है कि पद्माकर की कविताओं किस प्रकार मन को छू जाती है। बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए भी व्यक्तियों की बार बार यही लगता है कि ऐसा कुछ है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, वो तो बस और बस ही कुछ। कहते हैं बसंत से जुड़ा एक उत्सव उमंग का त्यौहार जिसे आप भी खूब जानते हैं उसे कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम फाग भी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे फाग उन लोक गीतों की भी कहते हैं जो होली में गाए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर फाग का अर्थ जो होता है होली भी हो सक होता है और जो फाग का अर्थ होता है जो होली में गाए जाने वाला एक गीत होता है। आइए देखिए पद्माकर फाग के चित्र किस प्रकार कर रहे हैं। पहले संपूर्ण कविताओं को एक दूसरे के बार पढ़कर स्वयं समझने का प्रयास भी किया जा सकता है। आइए कवि की इस कल्पना की कुछ गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं। कहते हैं पूरी कविता एक गोपियों का कथन है जिसकी परेशानी क्या है इसके समझने के लिए होली की रिवाज को याद कीजिए। अबीर गुलाल हवा में उड़ाना उछालना ये उड़ता गुलाल तो गोपियों की आंखों में चला ही गया है। उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं। सोचिए समस्या क्या है। केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता है। गोपियां आंखें धोकर हार गई है उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों उसे क्या छटपटाहट है। कसो कहूँ कौन सुने मैं क्या कथा छिपा है। क्या गोपियों की बात विष्णु में लगती है। नंदलाल के आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वो क्या नहीं समझा पा रही है। अहिर तो जैसे तैसे निकल गया पर अहिर नहीं। पर अहिर कौन है कल्पना कीजिए। क्या गोपी सचमुच कृष्ण के आंखों से दूर करना चाहती है। पूरी कविता में कवि की व्यंजन का ध्यान दीजिए। यहाँ कृष्ण के प्रति उम्र प्रेम के आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति में वर्णित किया गया है पर जितनी सरलता से अबीर घुल जाती है उतनी सरलता से कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता है। देखिए दोस्तों यहाँ साफ शब्दों में कवि ने ये कहने की कोशिश किया है कि जब गुलाल जो होती है आंखों में चली जाती है तो हमें जलन सी होती है और हम उसको आंख धो के निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुलाल के जगह पर कृष्ण की जो छवि है जो कृष्ण का रूप है वो गोपियों की आंखों में बस गई है और उसको वो निकाल भी नहीं पा रही है ना हटा पा रही है। कहते हैं कि ऐसा जो है एक जो है गोपियाँ प्रेम रूपी रूप में ही इसका वर्णित कर सकती है। यानी कहते हैं इसको निकालना संभव नहीं है और न ही आँखों में रखना भी संभव है क्योंकि कृष्ण जो है अथात हैं उनकी कोई सीमा नहीं है और ऐसे अथात पुरुष को रखना शायद संभव भी नहीं है। लेकिन गोपियाँ जो है कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उसको अपने आँख से क्या अपने नज़रों से भी दूर करना संभव नहीं समझती है। आगे गोपी ऐसा कहना चाहती है कि वह तो अपनी सहेलियों की सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और ना उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। आप स्वयं इसकी विस्तार से व्याख्या अलग पर लिख सकते हैं। देखिए कवित्र ने अनुप्रास यमक और सारी बातों को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट की कोशिश किया है। कवि ने साफ शब्दों में ये कहने की कोशिश किया है इस पांक्ति में कि जो यहाँ पर जो गुलाल की बात की गई है वो कृष्ण रूपी गुलाल की बात की गई है जो आँखों में चली जाती है और उसको निकालना संभव नहीं है। यहाँ पर जो है
सखी जो है दूसरी सखी के साथ कसम भी खाने को तैयार है कि मैं चाह के भी चेष्टा करके भी उनको निकालने के लिए सक्षम नहीं हूँ और शायद उनके आँखों से निकलना भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। यानी यहाँ पर कवि ने और जो सखियाँ हैं उन्होंने साफ शब्दों में कृष्ण के प्रति प्रेम का जो है उजागर करने की कोशिश किया है फाग में। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर त्रिपस कर देगा जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाणश्री सेंटर से, ठीक है, दूसरे सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाणश्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाणश्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।